हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो आज हम लोग बहुत खुश है गाइस। और गाइस, मेरे चैनल का जो गूगल एडसन पिन है वो हमने आज मंगवा लिया है। एक्चुअली गाइस, इसको मुझे अप्लाई किए लगभग आज से 20 से 24 दिन हो चुका था। फिर भी गाइस, मैंने इसको अपने जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जा कर के मैंने गूगल एडसन पिन को बाय किया, बट वहाँ से लाया। सो गाइस, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि मेरा गूगल एडसन पिन कैसे आया और मैं क्या क्या मुझे प्रोसेस लगा और कितना दिन टाइम लगा मुझे गूगल एडसन पिन मंगवाने के लिए। सो चलिए, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो अभी हम आपको बता देते हैं, जो कि मेरा आर्ट्स चैनल है, जो कि आर्ट बाई राजेश यूट्यूब चैनल जो मेरा है, उस चैनल का मेरा गूगल एडसन पिन आया। सो आज हम लोग काफ़ी खुश है। और गाइज, मेरे हाथ में ये जो गूगल एडसन पिन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आज हमने इसको रिसीव किया है, जो कि मैंने अभी गए थे पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ से हम लाए हैं इसको। सो चलिए, हम इसको ओपन करके आप सभी को दिखाएंगे। सो गाइज, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। और गाइज, मैंने इसमें बताया कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया था और मेरा कितना दिन बाद आया है और इसको आने में क्या क्या प्रोसेस या कितना टाइम लगा। सो गाइस, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। जो मेरे पास गूगल एडसन है, इसको अभी हम लोग ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे मेरा जो 6 अंक का जो डिजिटल पिन है वो है, उसको मैंने वेरीफाई करूंगा। सो आप सभी को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है, और ये मेरे नाम से है, राजेश कुमार, ये मेरा एड्रेस है। और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि ये कहाँ बनता है, ये मुंबई का है, गुरुगांव ईस्ट मुंबई में, ये मुंबई से आया है ये पिन। सो अभी हम आपको इसको ओपन करके आप सभी को दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइज, ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है जिसे रिमूव साइड एंडेड फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले बार इसको फाड़ना है यहाँ से, और इसको फाड़ना है, इसको फाड़ना है, यानी कि तीन एरिया से, मतलब तीनों साइड से इसको हटा देना है, बट एक साइड से हम लोग नहीं हटाएंगे, इस तरीका से इसको फाड़ लेंगे। देखिए गाइस, सो गाइस, इसको हमने ओपन कर लिया और ये जो है सो तीनों साइड से हमने निकाल दिया इसको। अभी मेरे पास इसको ओपन करेंगे, इस टाइप से मिलेगा आपको ये, इस टाइप से गूगल एडसन पिन, इसमें गूगल एडसन लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा एड्रेस है। और गाइज, इसमें जो मेरा योर पिन यहाँ पे है, मेरा जो 6 डिजिटल पिन है योर पिन, इसको अपने चैनल के ऊपर वेरीफाई करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फाइनली गाइज, मैंने जो अपने फोन का स्क्रीन पे आ गया है, जो डेस्कटॉप मोड में हमने अपने गूगल एडसन पिन को ओपन किया है। और गाइज, इसमें मैंने आपको बताएंगे कि कहाँ पे ये पिन वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गूगल एडसन के बगल में थ्री लाइन होगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचा मेरा पेमेंट है, पेमेंट के नीचा एक पेमेंट इन्फॉर्मेशन है और एक वेरिफिकेशन चेक है। सो गाइज, हम वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आएगा मेरा यहाँ पे 6 डिजिटल वेरिफिकेशन पिन, जो कि यहाँ पे हमने ये जो पिन है, जो ये वाला 7 5 8 0 4 5, ये पिन को इसके अंदर अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली गाइज, मैंने इसको पहली बार वेरिफिकेशन कर रहा है। सो चलिए, सबसे पहले हम इसको, इसमें ये लिखा हुआ है 3 अटेम्प्ट मतलब रिमाइंडिंग, यू हैव 3 अटेम्प्ट रिमाइंडिंग, यानी कि तीन बार के अंदर में हुआ तो हुआ, नहीं तो ये पिन आपका नष्ट हो जाएगा, यानी कि ये कोई काम का नहीं रहेगा और इसके बाद आपका गूगल एडसन पिन दोबारा भी नहीं आ सकता। सो चलिए, हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अच्छा से बढ़िया से इसको बारीकी से हम लोग करेंगे। इसमें देखिए, यहाँ पे 7 5 8 0 4 5, देखिए 7 5 8 0 4 5 हो चुका है गाइज। अब यहाँ पे हम इसको सबमिट करेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पर लिखा गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट। सो गाइज, ये मेरा हो चुका है। सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो पेमेंट्स के ऑप्शन में, सबसे पहले पेमेंट्स के ऑप्शन में हम आपको दिखाते हैं, पेमेंट इंफॉर्मेशन में
जो यहाँ पे इंडिया यूएस डॉलर है, जो कि मेरा कितना अर्निंग हुआ इस मंथ का वो है, और इसके नीचे जो है यूएस डॉलर, जो कि मेरा गूगल एडसन अकाउंट में कितना डॉलर कंप्लीट है। मेरा $10 कंप्लीट हुआ तभी ये सब ओपन हुआ है। एक्चुअली गाइस $10 मेरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे बेनिफिशियरी आईडी, ठीक, और यहाँ पे बैंक नेम, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट बायोसी, अकाउंट नेम्स, री टाइप्स, अकाउंट नंबर, ये सब आपको अप्लाई करना होगा। सो गाइस मैंने इसको अप्लाई करके आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और